मथुरा के थाना जमुना पार स्थित लक्ष्मीनगर की अंबेडकर कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें दो लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराए गए यह दोनों युवक सगे भाई हैं और लक्ष्मीनगर की अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनके साथ इन्हीं के पड़ोसियों ने बच्चों के झगड़े से हुए मनमुटाव को लेकर मारपीट कर दी। पीड़ित के परिजनों के अनुसार पड़ोसियों से पहले बच्चों को लेकर आपस में विवाद हो गया था। उस बात को लेकर दोनों में राजीनामा भी हो गया था। अब सोमवार की शाम को कलुआ कहीं बाहर से अपने घर आ रहा था। इस बीच रास्ते में मनीष की बुग्गी घर के आगे खड़ी थी। उसे साइड से करने के लिए जैसे ही कलुआ ने कहा, वैसे ही मनीष एवं पप्पू ने कलुआ के साथ मारपीट कर दी। झगड़े को देख छोटा भाई राहुल पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट कर दी। दोनों भाई घायल हो गए। दोनों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस विषय में घायल कलुआ के भाई ने जानकारी दी। मामला ये है कि उसने पुरानी रंजिश निकाली थी मेरे साथ में और मेरे भाई के साथ में। उन्होंने मनीष ने और उसके पाप ने आकर के पप्पू और उसकी माँ भी थी साथ में शीला, और उन्होंने आकर इसके चांद में रोड मारी है। रोड मार के इसके पैर भी तोड़ दिया है। और मामला ये था, वैसे गैल में बैल निकाल के ले जा रहा था। उसने ये कहा, मतलब दादागिरी में रहता है हर वक्त, ये कहता है मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूँगा, तो घर मकान बेच के जाना पड़ेगा तुमको। हमने उससे हाथ जोड़ के कहा, रहने दे भैया रहने दे, हम गरीब आदमी हैं, पर लेकिन नहीं मानता है, वो अपनी ऐट में रहता है। हाँ, पड़ोसी है, दबंगगिरी करता है। पहले हुआ था झगड़ा, पहले राजीनामा करवा दिया, कोई बात नहीं। उसे लेकर के नहीं बुझी कोई प्यास, फिर ये मौका देख के इसको पकड़ लिया। इसकी चांद चोट आई है, 10 टांके आए हैं इसके। कल बच्चे जो बुग्गी खड़े हुए थे, बच्चे कह रहे थे इसने राजीनामा, वो मतलब इसको हाँ साइड में कर लो, तो उसने ये कहा कि नहीं हटूंगा मैं साइड में, क्या करेगा ऐसे करके। नहीं है, फिर दबंगी गिरी करी है और इसको पीटा है।